आज अपने इस वीडियो में जो रॉयल एनफील्ड हंटर आती है उसके बारे में बात करेंगे, इसका रिव्यू शेयर करेंगे कि सपोज मेरे पास तो काफ़ी एक साल के ऊपर हो गया, तो इसको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और क्या इसमें प्लस है और क्या इसके अंदर एक निगेटिव चीज़ है जो कंपनी की तरफ से इसमें आई गई है, और पूरी डिटेल में लेंगे, प्राइस भी लेंगे, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस बाइक के साथ, और अभी ये लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो एक पूरी डिटेल में शेयर करूँगा वीडियो, वीडियो बने रहें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहले मैं आपको इसका पूरा वॉक अराउंड करा देता हूँ। तो इस साइड से ऐसी दिखती है, ये इसका बैकग्राउंड है, पीछे से दिखती है ऐसी, और साइड का प्रोफाइल इसका ये है, उसके बाद ये प्रोफाइल ये है, ऐसा दिखता है इधर का इसका लुक। तो शुरू करते मेरे एक्सपीरियंस से, इसको मैं ऑन करते हुए एक साल के ऊपर हो गया, अगस्त में ली थी मैंने, फिर मेरे पास इसे क्लासिक भी है लेकिन ओल्ड मॉडल क्लासिक है, यूसी वो मॉडल इंजन वाला, और मेरे पास मिट्योर भी है जे सीरीज़ में मेरे भाई पास। तो मैंने तीनों गाड़ी राइड की हैं जो इनकी 350 सेगमेंट में आती हैं। तो ये ओवरऑल जितनी भी हैं, जैसे क्लासिक है या मिट्योर है, उससे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस में चलती है गाड़ी। इंजन मिट्योर और उसमें तो सेम है, क्लासिक में पुराना वाला है, लेकिन तो भी जैसे एक बैलेंस गाड़ी, मतलब जैसे आप थोड़ा इधर उधर लहरा की गाड़ी चलाते झुका के ये सब, तो इसमें काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। किसी भी क्लास बुलेट भी ले लो या क्लासिक भी ले लो, उससे काफ़ी अच्छा है। रॉयल एनफील्ड ने पहली बाइक ऐसी बनाई जिस सेगमेंट में, और ये कॉस्टिंग के हिसाब से अगर कंपेयर करोगे तो तीनों बाइक बाकियों से ये लो कॉस्ट करती है। क्लासिक हो गई, मिट्योर हो गई, अगर डबल ABS में जाओगे, ये डबल ABS वाली बाइक है, पीछे और दोनों डिस्क ब्रेक है, तो उन दोनों के कंपेयर में इसकी कॉस्टिंग अच्छी कम है। और फिर जो हाइट को लेकर इशू है क्लासिक के साथ, वो इसमें सॉल्व किया कंपनी ने, इसको लो प्रोफाइल बनाने की कोशिश की है। इसमें आराम से 5 फुट 5 इंच वाला व्यक्ति चला सकता है इसको, और क्लासिक में इसी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड करती है, तो ये इसका हाइट को उन्होंने इसमें सॉल्व किया है, और काफ़ी इसे मिक्स टाइप में है, समझो ये स्पोर्ट टाइप में भी आप इसको चला सकते हो। इसका इंजन काफ़ी पावरफुल है, प्रॉब्लम नहीं है, 20 BHP का इसका पावर है और 27 NM का टॉर्क है इसका, काफ़ी पावरफुल इंजन है, और काफ़ी आप पिकअप लोगे तो आपको इसको कब पावर दिखेगा। कोस्टिंग करती है 2.25 लाख के आसपास से इसकी, एसेसरीज के साथ में बात कर लो थोड़ा, जैसे लेग गार्ड हो गया, फिर मिरर मैंने लगाया है, मिरर को आप साइड कर दो, जो आगे की हेडलाइट के ऊपर लगा हुआ है, पीछे बैक सीट लगी है, तो थोड़ा कोस्टिंग के उसके साथ बात कर रहा हूँ। नीचे इंजन गार्ड लगा हुआ है, इंजन गार्ड लगवाना इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लो प्रोफाइल बाइक होने की वजह से आप बम्पर कूदाते तो कई बार छू जाता है, तो आपका इंजन डायरेक्ट ना टच हो तो उससे अच्छा ये गार्ड लगाना ज़रूरी है, ठीक है। और इंजन साइड में इंजन प्रोटेक्शन के लिए भी आता है इनका, जैसे लेग गार्ड है ऐसा आप स्टोर करा सकते हो, ये एसी सीरीज का पार्ट है। तो हाइट कम करने के चक्कर में थोड़ा गाड़ी नीचे से भी इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है, लेकिन वो हाइट का इशू सॉल्व करने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप जोर से बम्पर बम से ना कूदाओ तो ही हो जाएगा। ये मेरा सब पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो गाड़ी को मैंने ऑन करते हुए देखा है वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ वीडियो में। और फिर इसकी वेट को लेकर बात करते हैं, तो आप जितनी भी पुरानी गाड़ियाँ बुलेट या हंट उसकी देखोगे क्लासिक, तो वो सब लोहे के थे, इसमें कंपनी ने प्लास्टिक का डाला है, इससे लाइफ कम है, और ऐसे अगर गाड़ी गिरी तो इसलिए मतलब डैमेज होगा, तो वो कॉस्ट कटिंग में, जैसे कि अगर आप पूरे एसेसरीज की बात करेंगे जो लिख के आता है क्लासिक में, वो 196 किलो के आसपास था, आगे पीछे हो सकता है, और उसका कंपनी 176 का वो करती है क्लेम, तो एसेसरीज के साथ साथ 80-81 हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर कम होती है। ये प्लास्टिक हो गया सब कुछ, ये भी प्लास्टिक, पूरा सिस्टम क्लासिक के अंदर लोहे का है, फिर पीछे का जो है कटिंग किया वो भी प्लास्टिक का, ये साइड जो जितने भी बैटरी या एयर फिल्टर आते हैं वो भी प्लास्टिक का ही है, ठीक है। तो इसका वेट को लेके हो गई बात, तो अभी की जितनी भी बाइकों के हिसाब से इसमें किक नहीं आती, क्लासिक रॉयल एनफील्ड ने सब बाइकों में निकाल दिया किक, ठीक है, क्लास उनकी बुलेट में से भी निकाल दिया। तो ये इसका एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बोलते हैं, लेकिन बाकी अभी सब गाड़ियों में स्पोर्ट में सब में निकाल ही दिया है, ठीक है। और इसका 350 CC का जे सीरीज़ का इंजन है, सभी क्लासिक मिट्योर और बुलेट सब में ही आ रहा है, हंटर में भी ये लगा हुआ है, तो इसलिए पावर की कमी आपको नहीं होने वाली है, तो काफ़ी अच्छा खासा पावर आउटपुट है इसका। और एक शॉर्ट टाइप की बाइक बनाई है इन लोगों ने, आप देखोगे ये जो सीट ये काफ़ी शॉर्ट है बाकी कंपेयर में, इसमें स्प्लिट सीट का ऑप्शन नहीं आता है, बाकी क्लासिक में आपको आ जाएगा, मिट्योर में भी आएगा, इसमें नहीं आता है, एक साइड का है। और इसका जो जैसे लिफ्ट फुट रेस्ट रखने का जो काफ़ी कंफर्ट है, ठीक है, पीछे पिलियन के लिए भी है, तो ये मैंने अपडेट किया है, ये नहीं था कंपनी में, इससे थोड़े और सॉफ्ट गाड़ी चलती है, बाकी तो सॉफ्ट है ही। तो जो ये सोकर है ये क्लासिक 350 का है, पुरानी वाली क्लासिक, नई वाली नहीं, तो
इसमें आप उस समय मेरे एरिया में नहीं अवेलेबल नहीं था, क्रोम में मिला। अगर आप इसको ब्लैक में डाल दोगे तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि अलग से डाला हुआ चीज़ है। तो काफ़ी स्मूथ हो जाती है राइड, इससे स्मूथ तो है ही और स्मूथ हो जाएगी आपकी। ग्राउंड क्लियरेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कई लोग बोलते हैं प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, सेम माइनर सा थोड़ा डिफरेंस है। बाकी तो वीडियो है मेरे चैनल पर, आप देखना चाहो देख सकते हो। तो ये चीज़ डाली है तो इससे पीछे बैठने वाले को भी काफ़ी आराम हो जाता है। टायर की बात कर लें, बाकी सेगमेंट में से अलग टाइप के क्लासिक में खास करके अलग टायर आते हैं, लेकिन इसमें एक जनरल टाइप का टायर लगाया इन लोगों ने, 140/70/17 ये करके लगाया। तो इसको आपको टायर लेने में भी इशू नहीं आएगा। बाकी सब कुछ गाड़ियों में प्रॉब्लम आता है, मिलता नहीं मार्केट में, और टायर छोटा करने से इसकी हाइट भी छोटी हुई गाड़ी की। तो इस जगह थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया कंपनी ने इसको हाइट कम करने के लिए, क्योंकि क्लासिक को चलाने के लिए आपको अच्छी खासी हाइट चाहिए, इसमें ऐसा नहीं है। और वजन भी कंपनी ने 20 किलो आसपास रिड्यूस किया है, तो वो भी इफेक्ट करता है आपकी राइड क्वालिटी को सुधारने में। अब शेयर करता हूँ आपको इसके हाइट का जो मैं बात लाता, जैसे मेरी हाइट है 5'7" के आसपास, तो देखो इसमें आराम से 5'5" वाला व्यक्ति भी इसको चला सकता है, ठीक है। जैसे पैर का इशू नहीं हो रहा, मैंने सिंपल चप्पल पहन के रखे हैं, आप इसमें जूता पहनोगे तो हाइट थोड़ी और भी होगी। तो काफ़ी अच्छा है इसका मतलब हाइट, जो ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ने किया है, और वजन कम होने की वजह से आप इसको काफ़ी रफ चला सकते हो सिटी में, तो क्लासिक के साथ ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ इसमें है जो बाकी रॉयल एनफील्ड की बाकी गाड़ियों में नहीं है, मिटर में है, लेकिन वो क्रूज टाइप के सेगमेंट में गाड़ी है, ये उससे क्रूज टाइप की सेगमेंट की गाड़ी नहीं है। तो इसमें एक ही चीज़ अच्छी लगी। और दूसरा चीज़ आपको बताऊँ, इसका जो फुटरेस्ट प्लेस करने का है, आप बैठोगे ये पीछे आपकी पिनियन बैठेगा तो काफ़ी कंफर्टेबल है। गियर शिफ्टिंग की बात कर लेते हैं, गियर शिफ्टिंग में एक आगे 4 पीछे आएंगे, मतलब 5 स्पीड गियर बॉक्स है इसमें। और आपको फ्यूल इकोनॉमी अप्रोक्स, आप अगर धीमे चलाओगे तो आपको ये लगभग 31-30 के आसपास एवरेज निकालेगी। आप खींच के चलाओगे तो एवरेज ज़्यादा, मतलब रफ चलाओगे तो ज़्यादा कम हो जाएगी। ऊपर से ऐसी दिखती है, इसका डिजिटल कंसोल है, आपको दिखाता हूँ कि इसकी चाबी ऐसी आती है। अभी सभी रॉयल एनफील्ड की गाड़ियों में ये हो गया चाबी, बाइक मिटर वाला ही कंसोल है ये टॉप मॉडल में। इसमें नीचे रेट्रो मॉडल में थोड़ा सिंपल वाला बेसिक आता, बाकी सारी डिटेल है, ट्रिप रूप सब है। आपको मैं इसकी साउंड सुना देता हूँ चालू करके, तो इसका साउंड है, ठीक है, कोई वो मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं। साइलेंसर काफ़ी नॉइजी है, आवाज़ अच्छा खासा करता है। तो ये मैंने आपके साथ जो वीडियो में शेयर किया एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, कि अगर ये आप प्लान कर रहे हो लेने को तो ये सब चीज़ आप नोट कर सकते हो, इसके हिसाब से अगर आपकी रिक्वायरमेंट में गाड़ी बैठती है तो आप ले सकते हो, और काफ़ी परफेक्ट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और बाकी जो डिटेल वाला ऐसा वीडियो मैंने नहीं शेयर कर रहा हूँ कि ये आता वो आता वो नहीं, जो जो मुझे अच्छा लगा इसके अंदर और जो इसमें रोल प्ले करता है गाड़ी को लेने ना लेने में, तो चीज़ आपके साथ शेयर की वीडियो में। ये सब कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये वेरी कर सकता है जो दूसरे लोग हैं जिन इनको ऑन करते हैं। तो मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई चीज़ में नेगेटिव नहीं लगा। हाइट का इशू है तो वो तो आपको हाइट कम करने के लिए तो नीचे ग्राउंड क्लियरेंस कम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करो, आप मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, आपको क्या अच्छा लगा वो कमेंट करो। ख़त्म करते अपना वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।